तो दोस्तों आखिर 18 अप्रैल को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल को गोवा में बुला रहे हैं। आखिर पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल 18 अप्रैल को गोवा क्यों जा रहे हैं और आखिर इन दोनों के साथ गोवा में कौन जा रहा है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। दरअसल सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले कल पवनदीप राजन का एक गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम याद है और ये गाना उत्तराखंडी भाषा में रिलीज हुआ है। इस गाने को हर लोग, खासकर उत्तराखंड के लोग, काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसी बीच अब आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा काम करने के लिए पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल को गोवा में बुलाया गया है। आखिर कौन सा है ये बड़ा काम और आखिर पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल के साथ साथ गोवा में कौन जा रहा है, पूरी खबर बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल 18 अप्रैल को गोवा क्यों जा रहे हैं और इन दोनों के साथ गोवा में कौन जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सो मैनी कंपनी को तो आप जानते ही होंगे। सो मैनी कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 18 अप्रैल को सो मैनी कंपनी को शुरू हुए पूरे 50 साल हो जाएंगे, जिसकी खुशी में सो मैनी कंपनी ने गोवा में 18 अप्रैल को एक बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी रखी है और इसी सक्सेस पार्टी में पवनदीप राजन और अनंत कांजीलाल के साथ साथ षणमुख प्रिया परफॉर्म करने के लिए जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहाँ पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।